हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वर्कआउट बॉक्स में। मैं संदीप विश्वकर्मा हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे एनडीए के बारे में, यानी इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ स्थित है, इसकी क्या एज लिमिट है, इसमें नेशनलिटी यानी आप कहाँ के निवासी होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपको योग्यता क्या क्या मांगते हैं। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर लोकेशन की बात करें, यानी ये कहाँ स्थित है, तो ये खड़कवासला पुणे में मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो स्थित हुआ था, मतलब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 7 दिसंबर 1954 को हुआ था। इसका जो मोटो है, सेवा परमो धर्म, चाहे इसके आप मोनो में भी देख रहे होंगे, सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका जो कैंपस, यानी ये कितने एकड़ में फैला हुआ है, 7,015 एकड़ में ये फैला हुआ है। भाई देखिए कितना बड़ा रेंज में फैला हुआ है यार। इसका जो टाइप है, किस टाइप का ये इंस्टीट्यूट है, मतलब इसमें क्या होता है, यानी इसमें डिफेंस फोर्स इंस्टीट्यूट है ये, यानी इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों कमांड सेनाओं की इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको बैचलर डिग्री के लिए एलिजिबल भी किया जाता है। अगर आप इस इंस्टीट्यूट के लिए आप सिलेक्ट होते हैं, तो इसमें फाइनेस्ट बंदे सिलेक्ट होते हैं। इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। चलिए उसमें मैं आगे चल के मैं बताऊँगा आपको। इसका जो पेपर होता है, साल में 2 बार होता है, वो ये ऑफलाइन मोड में होता है। चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अगर हम एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो 16.5 से 18.5 के बीच में इसकी एज लिमिट मांगी जाती है। और नेशनलिटी की, अब नागरिकता की बात करें, तो इसमें इंडिया के साथ साथ नेपाल और भूटान के लोग भी इसमें एलिजिबल रहते हैं, लेकिन नेपाल और भूटान के लिए उनके लिए प्रॉपर रेजिडेंस होना ज़रूरी है। इनके लिए एक चीज़ और भी इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ये इसके कोई इनका आतंकवादी संगठन के साथ उनका लिंक ना हो, उनका उनका बैकग्राउंड पूरा साफ़ हो। इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें जो एनडीए की जो भर्ती होती हैं, जो वैकेंसी निकलती हैं, ये सब मेल कैंडिडेट के लिए निकलती हैं, इसमें मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। चलिए हम आगे बता रहे हैं। इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, इसमें अनमेरिड मैन कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, ओनली अनमेरिड मैन कैंडिडेट इज एलिजिबल। इसलिए इसमें केवल वुमेन के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं निकलती हैं, केवल मैन कैंडिडेट के लिए इसमें जगह निकलती हैं। इसमें आर्मी की बात करें, तो आर्मी के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, यानी आप फिजिक्स से हो सकते हैं, मैथ से हो सकते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स के लिए आपको मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है। अगर ये आपके पास नहीं है, तो आप केवल आर्मी के लिए ही एलिजिबल हैं। और नेवी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें 12th पास मांगा जाता है मैथ और फिजिक्स के साथ। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूं, इसका नंबर 100 900 नंबर का इसका पेपर होता है भाई मेरे। और साथ साथ इसमें आपको 300 नंबर का मैथमेटिक्स होता है, जिसे 1/4 का माइनस मार्किंग होता है। और साथ में इसमें बता दूँ कि इसमें आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। मतलब इसमें आपको, अगर आप मैथ के पेपर में आप पास नहीं होते हैं, तो आपकी दूसरी सीट यानी जनरल नॉलेज की सीट आपकी चेक नहीं होगी, इसलिए आप इसमें क्वालिफाई हो नहीं पाएंगे। यानी जब तक आपका मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होता है, तो आप जनरल नॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपकी दूसरी कॉपी चेक ही नहीं होगी। इसमें जो इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो 200 नंबर का आपका इंग्लिश आता है, और जनरल नॉलेज होता है जो 400 नंबर का आता है। इसमें आपका 1/4 का माइनस मार्किंग रहता है साथ ही साथ में। चलिए इसके साथ में आगे बढ़ता हूँ। इसकी अगर मैं फिजिकल क्राइटेरिया, तो चलो बाद में बताऊँगा। इसकी अगर इंटरव्यू की मैं बात कर लूँ, तो इसका जो इंटरव्यू होता है, फाइनेस्ट बोर्ड इंडिया नहीं वर्ल्ड इंडिया फाइनेस्ट बोर्ड यानी SSB के द्वारा इसको इंटरव्यू लिया जाता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिस इंडिया का सबसे अच्छा इंटरव्यू बोर्ड माना जाता है, ये 5 दिन के लिए कंडक्ट होता है। ये भी 900 नंबर का होता है।
इसमें जो इंटरव्यू लेते हैं जो सैन्य कर्मचारी ही लेते हैं, ऑफिसर्स जो रहते हैं आर्मी के, वही उनके द्वारा ये कंडक्ट होता है। इसमें फर्स्ट डे की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डे में आपका अराइवल होगा, जिसे आपको टाइमिंग दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन होंगे, उसके बाद आपको PIQ फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यानी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उस दिन आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें केवल आप रेस्ट कीजिए, खान स्वयं से खाना खाइए। उसके बाद जो मेन प्रोसेस होती है दूसरे दिन से शुरू होती है। 30 सेकेंड में आपको टैट, वैट, SRT और SD तीन चीज़ें होती हैं। अब वैट में बताऊँ तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये सब आपके सेकेंड डे में होते हैं। और आप थर्ड और फोर्थ डे की बात बताऊँ, GD ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, प्रोग्रेस ग्रुप टास्क होता है। मतलब कि इसमें आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, आपको कई ग्रुपों में बांट दिया जाएगा, 6 ग्रुप में, 6 लोगों के ग्रुप में या 7 लोगों के ग्रुप में आपको बांट दिया जाता है। इसमें आपको कुछ ग्रुप टास्क दिए जाते हैं, उसको आपको कम से कम टाइम में और अपनी समर्थता दिखाते हुए आपको टास्क पूरा करना होता है। आपको जो फाइनल डे होता है, 5 डे होता है, वो कॉन्फ्रेंस डे कहलाता है। यानी इसमें आपको पता चल जाता है कि आप सेकेंड राउंड यानी थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं। तो ये आपका इंटरव्यू प्रोसेस हो गया। चलिए हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपके फिजिकल की मैं बात करूँ तो आर्मी के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो होते हैं, 157 मीटर हाइट का हाइट दिया गया है और 80 सेंटीमीटर चेस्ट दिया गया है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड यानी 5 सेंटीमीटर फैलाना पड़ता है। और एयरफोर्स की मैं बात करूँ तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, और चेस्ट की बात करूँ तो 80 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंडिचर मांगते हैं और 5 सेंटीमीटर का 5 एक्सपेंडिचर मांगते हैं। और रनिंग की मैं बात करूँ तो उसमें 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है, और उसको 7 या 6.5 मिनट के लिए इसका टाइमिंग दिया जाता है। इसका मैं थोड़ी क्लियर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन लगभग यही मैच करता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेडिकल क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो मेडिकल क्राइटेरिया में आपका आई विजन, कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैट फुट, नॉकनी, इंटरनल ऑर्गन, स्वेट स्किन, ईयर टेस्ट। हाँ, एक नोट करने वाली बात यह है कि आप किसी भी प्रकार से ड्रग एडिक्टेड नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा या धूम्रपान करते हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं। इस चीज़ को आप कृपया गौर रखें। अगर मैं आपकी आई विजन की अगर बात करूं तो यह 6.6 मांगते हैं। अगर आपको आंखों पर चश्मा लगता है या किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप इसके पहले मेडिकल से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर जरूर करें। अगर कलर ब्लाइंडनेस करें तो भाई ये रंग भर देता है। इसमें या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसमें भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपका रंग भरता का मतलब ये है कि आपको लाल और हरे में डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे। ये जनरली आपको एयरफोर्स में मांगते, इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फ्लैट फुट मान ली, तलवों में आपका गैप होना चाहिए। नौकनी, आपको घुटनी टच नहीं होनी चाहिए। इंटरनल ऑर्गन मतलब किसी प्रकार की आंतरिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपके इंटरनल ऑर्गन यानी फेफड़े वगैरह, लंग्स वगैरह, ये ठीक से काम करने चाहिए। स्वेट स्किन मतलब कि जो आपके पसीने भर से भरे जो हाथ हैं उसके आपको, वो लोग क्या करते हैं कि आपके जो अंगूठे या आपका जो अंगूठा है वो अपनी हथेलियों में टच करके देखते हैं, उसके बाद जो लोग इसको अंगूठे को खींचने की कोशिश करते हैं। अगर आपका अंगूठा नहीं खिसका तो आपको स्वेट पाम से आप बच सकते हैं। अगर उनके आपका अंगूठा उनकी हथेली से बाहर निकल आता है तो आप इसके लिए रिजेक्ट मान जाते हैं, इसको स्वेट स्किन कहा जाता है। ईयर टेस्ट, आपका ईयर कैपेबिलिटी आपकी सही होनी चाहिए। इसके लिए एक इंटरेस्टिंग ये बता दूं कि जो इसका जो मैस होता है, NDA का जो मैस है, यानी 1000 कैंडिडेट साथ में खाना खा सकते हैं, यानी ये एशिया का सबसे बड़ा मैस है NDA का। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर इस टाइप की आपको वीडियो और चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।